पवित्र 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 हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने अक्सर एक बात को नोट किया होगा, जब कभी आप किसी चर्च के अंदर गए होंगे तो आपने एक बात को देखा होगा कि कुछ लोगों के ऊपर जब पास्टर हाथ रख देता है तो वो लोग कूदने लग जाते हैं, वो लोग जोर जोर से कूदने लग जाते हैं और जोर जोर से अजीब तरह की भाषाओं को बोलने लग जाते हैं जो कभी किसी को समझ ही नहीं आती। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक पादरी जब किसी पर हाथ रख देता है तो वो लोग कूदने लग जाते हैं और वह लोग अजीब सी भाषाओं को बोलने लग जाते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने इस बात को अक्सर सुना होगा कि जब पास्टर किसी पर हाथ रख देता है तो वह पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और लोग अन्य भाषाएं बोलने लग जाते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा क्या सच में होता है? तो दोस्तों, आइए हम बाइबल से भी कुछ इन बातों को देखेंगे कि ऐसा क्या सच में हुआ था, क्या परमेश्वर ने बाइबल के अंदर भी ऐसा कुछ बताया कि लोग ऐसे कूदने लग जाते हैं और लोग ऐसे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग जाते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, आइए हम एक वचन को देखते हैं, कुरिन्थियों 6:19-20 को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी इस वचन पढ़ा, इस वचन के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि परमेश्वर हम में वास करता है, हमारी देह यानी कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो दोस्तों, क्या सच में सभी लोगों के शरीर में परमेश्वर वास करता है? क्या सभी लोगों का शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर कोई पाप नहीं करता, परमेश्वर कभी पापी के साथ भी नहीं रहता। इस वचन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर हम में वास करता है। और दोस्तों, परमेश्वर, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पवित्र है तो वो पवित्र लोगों में ही वास करेगा। यानी कि अगर आप पाप से दूर हो, आप पाप नहीं करते और आप परमेश्वर में हमेशा बने रहते हो तो दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप बहुत से काम भी करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात को भी नोट किया होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत से झूठ बोलते हैं और बहुत से बुरे काम भी करते हैं, मगर जब वे चर्च जाते हैं, पास्टर उनके लिए प्रेयर कर देता है तो दोस्तों, वे जोर जोर से कूदने लग जाते हैं और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग जाते हैं। मगर दोस्तों, क्या सच में परमेश्वर उनके अंदर काम करेगा? क्या परमेश्वर उनके अंदर वास करता है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कभी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आइए हम कुछ और बातों को देखते हैं कि जो लोग कूदने लग जाते हैं, क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि जो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग जाते हैं, क्या परमेश्वर की ओर से वह अन्य भाषाएं हैं? तो दोस्तों, आइए हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा अपने लोगों पर पहली बार उतरा, प्रेरितों के काम 2:1-4 तक हम पढ़ेंगे, जब पिंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी इस वचन को पढ़ा, इस वचन के अंदर हमने देखा कि जब पिंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा जब अपने लोगों पर उतरा और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे सभी लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या सच में परमेश्वर उन्हें ऐसी भाषा देगा जो किसी को समझ ही नहीं आती? क्या सच में परमेश्वर उन्हें ऐसी शब्दों को देगा जो किसी को भी समझ नहीं आती? तो दोस्तों, अब बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि ये भाषा वो है जो परमेश्वर को ही समझ आती है। तो दोस्तों, जिस भाषा को सिर्फ परमेश्वर ही समझ सके, परमेश्वर उस भाषा को हमें क्यों देगा जब हम उस भाषा को समझ ही नहीं सकते? तो दोस्तों, जिस वक्त पवित्र आत्मा अपने लोगों पर उतरा, वे सभी लोग उस भाषा को समझ भी पा रहे थे। मगर दोस्तों, आज हम देखते हैं चर्चों के अंदर अन्य अन्य लोग भाषाएं बोलते हैं, मगर दोस्तों, किसी को भी इस भाषा का नहीं पता कि वह कौन सी भाषा बोल रहे हैं और वो कौन से शब्दों को बोल रहे हैं। मगर लोग आज ये कहते हैं कि ये सब भाषाएं सिर्फ परमेश्वर ही समझता है। और आपने देखा होगा, अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत से बुरे काम करते हैं, बहुत से बुरे पाप भी करते हैं, मगर दोस्तों, वो लोग भी
अन्य भाषाएं उस टाइम पे बोल रहे होते हैं। मगर दोस्तों आज बहुत से लोग कूदने लग जाते हैं, जब कभी उनके ऊपर पास्टर हाथ रखता है तो वो लोग कूदने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ लोगों के साथ सिर्फ भावनाओं को लेकर भी होता है। जब कभी कोई उनके लिए प्रार्थना करता है तो वो लोग भावनाओं में बह जाते हैं और वे लोग बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं और इस कारण से वे लोग कूदने लग जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है। और दोस्तों अगर आपको इस बारे में कुछ और नॉलेज है तो दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।